माशाल्लाह से तो दूसरी पेमेंट आ चुकी है, तो बस कितनी आई है ये मुझे बताओ। ठीक है ठीक है ठीक है, तो पैसे निकाल लीजिए, बैग मेरे साथ पड़े हैं, तो बस रखने का टाइम नहीं मिला यार, टाइम क्या ना बस टाइम का बहुत ज़्यादा इशू होता था, तो पहले कैसे थे ठीक है जो कहे मैं लास्ट ब्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि नहीं मैं कहीं जाने नहीं आई हूँ, ये है कि पहले निकालूँगी पर आप लोगों को बताऊँगी, क्योंकि ना नज़र लग जाती है लोगों की, वाकई नज़र लगती है, इतनी बुरी नज़र लगती है ना बहुत, जो जो हुआ है कितनी पेमेंट ये बता सकते हैं, कितनी पेमेंट होगी, जितनी भी हो बस दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला ने बरकत डाले। अब मम्मा अपनी सैलरी निकालने आई है, मैं ले लो ब्लॉग देखना अभी, अब कार्ड निकलेगा पहले, ओके अब निकलेगा अब निकलेगी मम्मा, इसको तो देखो घर समझिए आपका ड्रेस कोड नहीं बताएंगे आपको, जैसे अगले व्लॉग में भी बताया था, अब मम्मा अपना कोड किसी को नहीं बता दी, मेरा तो बस चले मैं सबको कोड बता दी, सॉरी हाँ तो भाई ये क्या बोलते हैं माशाल्लाह से तो दूसरी पेमेंट आ चुकी है, तो बस कितनी आई है ये मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है ना कितनी आई है नहीं बताऊंगी, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरे बस मालिक का शुक्र है, वरना तो बस हमारी तो कोई औकात ही नहीं है कि बस, अब तो जिस तरह मुल्क के हालात चल रहे हैं ना तो वैसे तो चलना बहुत ही नामुमकिन है, लेकिन बस ये है कि अल्लाह की ज़ात है जो चला रही है और किसी की दुआएं साथ है जो कि चला रही हैं, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे पेमेंट तो मैंने कल ही निकाली थी, तो कल बनाया था आप व्लॉग, लेकिन मुझे आज भी इतने सारे कमेंट्स आए कि आप रेगुलर व्लॉग डाला कर, हम आपका इंतज़ार करते हैं, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इंतज़ार करने के लिए, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आप लोग मेरा इंतज़ार करते हैं, सुन के बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। बाकी ये कि बाइक के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने, हालांकि छोटी सी चीज़ है बाइक, तो मामूली चीज़ है, हर घर की ज़रूरत है, ठीक है ना, हर घर की ज़रूरत है, कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ बाइक नहीं होगी, तो सब लोगों ने मुझे मुबारकबाद दी, बहुत अच्छा लगा। तो ये है कि जो पराए लोग होते हैं ना तो वो खुश होते हैं, और जो अपने लोग होते हैं उनको पता नहीं कि नीचे से ऐसी होती है, उनको पता नहीं नीचे से आग लग जाती, पता है कोई ना ये स्टेटस पे अक्सर मैं चीज़ें लगाती रहती हूँ, तो मुझे बस खुशी होती है, यकीन माने मेरा खुदा गवाह, मुझे दिखावे का बिल्कुल शौक नहीं है, अगर मुझे दिखावा करना होता ना तो आज मैं गहने पहन के कपड़े पहन के मैं बिल्कुल सिंपल सी हूँ, जब ये है ना कई लोगों ने देखा होगा कि मैं व्लॉग भी किस तरह से बनाते, बिल्कुल सादे सुधे, अगर कहीं बाहर गई रेडी हुई हूँ तो हुई हूँ, वरना तो मैं जैसी होती हूँ वैसे ही बना लेती हूँ, नहीं हमें दिखावा विखावा नहीं है, तुम्हें चला रहा है बस। बाकी तो खैर ये देखे पैसे भी कल लेके आई थी मैं, तो पैसे मैंने निकाले लिए, बैग में इस तरह से पड़े हुए, तो बस रखने का टाइम भी नहीं मिला यार, टाइम का ना बस नहीं, टाइम का बहुत ही ज़्यादा इश्यू होता है, तो जो पहले के पैसे थे ये सैलरी का जो के है मैं लास्ट व्लॉग है हम लोग का, ये सैलरी का जो के है मैं लास्ट व्लॉग बना रही हूँ, अरे नहीं मैं कहीं जाने वाली नहीं हूँ, मैं यही हूँ, ये है कि सैलरी निकालूंगी पर आप लोगों को बताऊंगी नहीं, बताती है लोगों के वाकई में नज़र लगती है, इतनी बुरी नज़र लगती है ना पूछो मत, जो वैसे ये कोई बता सकता है कि ये कितनी पेमेंट होगी, नहीं ये बता सकते हैं कितनी पेमेंट होगी, जितनी भी हो बस दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला इन्हें बरकत डाले, और बस और कुछ नहीं चाहिए, मेहनत के पैसे हैं यार, इतनी ज़्यादा मेहनत तब जाके तो ये सब मिले हैं, मेहनत के बाद आज मुझे ना सारी ना ये दिए, तो बस ये है कि अब ईद भी आ रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ईद भी आ रही है, तो लोगों की हाँ ईद भी आ रही है, और दूसरी बात ये कि ना अब तो हमने बाइक ले ली, दिल्ली का व्लॉग का मैं यूँ मना कर रही हूँ कि बस ना जो घर वाले हैं ना बड़े वो डांटते हैं कि तुमने सैलरी का व्लॉग मत डाला करो नज़र लग जाती है, पर मेरा तो डालने का सिर्फ एक ही मकसद था कि आप लोग देखो, शायद देख के मेरे रिश्तेदारों आप लोग के जज्बात जग जाए,
और शायद आप भी ना, आप लोग भी बनाने लगो। नोटे अच्छी किए इस बार यार, सारी उल्टी सीधी नोटे पड़ी, तो मैं तो बस ना यार पागल ही हो जाती हूँ देख के। तो और होना भी चाहिए यार, अपने पैसे तो अपने पैसे होते हैं यार, होना भी चाहिए। तो बस ये है कि ये पैसे भी कुछ भी नहीं है यार आजकल ना, हमारे मुल्क के पैसे ना बिल्कुल कचरा हो चुके हैं, कुछ भी वैल्यू नहीं रखते। तो अब जो मैं पैसे जमा कर रही हूँ ना, तो वैसे तो खर्चे काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन अब जो मैं पैसे जमा कर रही हूँ, हम लोग जा रहे हैं बच्चों को मरी घुमाने ले जा रहे हैं। कब से बच्चे बेचारे मरी मरी कह रहे हैं, तो मैंने कहा चलो जी बच्चों को घुमा के आते हैं। जो आपकी पेमेंट होगी वो बच्चों के नाम की है, तो ये जो कल खर्चे के हैं वो मैं निकाल लूँगी, और कल बाकी के पैसे जो के हैं बैंक में रख के आऊँगी। वैसे घर में कुछ भी नहीं रखती, बस ये कार्ड रखते हैं, आजकल कार्ड का दौर है, जब चाहिए होता है निकाल लेते हैं। ये देख लें, सिर्फ पर्स में पैसे नहीं रखते, सिर्फ पर्स में ये रखते हैं। मेरे पर्स में से कभी कोई पर्स, अक्सर मुझे हस्बैंड कहते हैं रास्ते में तुम बाइक पे बैठती हो पर्स संभाला करो, तो मैंने कहा कि पर्स में होता क्या है जो पर्स। ये थी मेरी सेकंड सैलरी, और इसका था लास्ट व्लॉग। आइंदा से सैलरी का व्लॉग नहीं डालेंगे, और प्लीज़ आप लोगों से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए, और उम्मीद है कि इसी तरह से आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बहुत सारी दुआओं के साथ याद रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक दीजिएगा इजाज़त। ओके अल्लाह।